नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस एक्सरसाइज के बारे में जो एक पैरालिसिस पेशेंट को सबसे ज़्यादा हेल्प करती है चलने में। हम जो एक्सरसाइज देखते हैं, फिजियोथेरेपी देखते हैं, पेशेंट कई सालों से करवा रहा होता है मगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे होते, तो इसको समझना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आपके किसी पेशेंट को पैरालिसिस हुआ था तो पहले 6 महीने के अंदर उस पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी चेंजेस आने शुरू हुए मगर धीरे 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 वो स्लो होने लगे और अब आने बंद हो जाते हैं। अब जितनी मर्जी आप इसके बाद एक्सरसाइज करवा लें, पेशेंट के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे थे। जब हम ये चीज़ें अपने पेशेंट में देखते हैं, जब पेशेंट साइंस संजीवनी में आता है और हम ये देखते हैं कि पेशेंट ने कई कई साल, चार पाँच साल फिजियोथेरेपी कराई मगर वो पेशेंट ठीक नहीं हो पाया, उसके पीछे अगर हम रीज़न जाके देखते हैं कि क्या कमी रह गई हमें समझने में पैरालिसिस को, तो हम ये देखते हैं कि हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे थे, फिजियोथेरेपी कर रहे थे, वो मसल्स के लिए कर रहे थे। हम जो मेडिसिन ले रहे थे वो आपकी बीपी की थी, शुगर की थी, कोलेस्ट्रॉल की थी, मसल रिलैक्सेंट थी, बट कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो आपके ब्रेन में जाके काम करे और ब्रेन में हुए नुकसान की भरपाई कर सके। तो साइंस संजीवनी में हम यही करते हैं, साइंस संजीवनी में जो एक्सरसाइजेस हम बताते हैं वो भी आपके ब्रेन के सेल्स के लिए होती है कि वो उसे सीखें, और आपकी जो मेडिसिन दी जाती है वो भी ब्रेन के सेल्स के लिए होती है कि ब्रेन के सेल उसे सीखना शुरू करें, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट रुक गई है उसे शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसको शुरू करने के बाद आपने क्या सिखाना है ब्रेन को वो बताने के लिए वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा ये मसल्स के लिए नहीं है, मसल्स को सीधा करने के लिए नहीं है, मसल को सॉफ्ट करने के लिए नहीं है। ये जो एक्सरसाइज मैं आज आपको बता रहा हूँ ये हमने अपने एक्सपीरियंस से देखी है। पेशेंट जब आते हैं जो जिनमें बहुत तेज़ी से आराम आता है, जिनमें थोड़ा कम आता है, तो दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझ जाते हैं कि इस पेशेंट में आराम क्यों आ रहा है। वही एक्सरसाइज मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ। इसको पहले समझिए कंसेप्ट को कि ये एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है। आप अपने दिमाग को ज़रा एक बार नोटिस करें और देखें कि वो कैसे काम करता है और कैसे अपने अंदर सुधार करता है। जब कभी कोई कैशियर होता है, बैंक की जॉब करता है, तो पहले दिन जाके नोट गिनने का तो स्लो गिनता है, बहुत टाइम लगता है, मगर जैसे जैसे टाइम बीतता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये उसकी उंगलियां फास्ट नहीं हो जाती, उसका ब्रेन फास्ट हो जाता है। तो ब्रेन के बारे में क्या कहा जाता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये अच्छा उस चीज़ में हो जाता है। एक स्पोर्ट्समैन है, दौड़ता है तो बहुत अच्छा दौड़ने में हो जाता है, बाकी चाहे किसी काम में वो अच्छा हो ना हो मगर वो उस एक्सरसाइज में, उस स्पोर्ट्स में अच्छा हो जाता है। तो हम अगर एक ही चीज़ को बार बार करते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को ले लेता है। वही कंसेप्ट हम लेकर आते हैं पैरालिसिस पेशेंट के अंदर, और पैरालिसिस पेशेंट को यही कहते हैं कि अगर आप अपने लेग में इंप्रूवमेंट लेकर आना चाहती हो तो आपको अपने ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आनी पड़ती है। ब्रेन में जो लर्निंग है वो स्टार्ट करनी पड़ती है, ब्रेन को सीखना पड़ता है कि आपके मसल्स को कैसे चलाना है। तो जो चीज़ आप करना चाहते हो अपने पैर से वही करो। तो साइंस संजीवनी में पेशेंट को यही एडवाइस की जाती है कि आप मैक्सिमम टाइम अपना चलने पे डिवोट करो। अगर आपने लेग की इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो मैक्सिमम आपको जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो है वॉकिंग वाली, वो ब्रिस्क वॉक हो सकती है, रनिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, बट सेट ऑफ एक्सरसाइज यही रहेगी। पेशेंट जो अपनी हर एक्सरसाइज को 5-10 मिनट बाद बदलता है, वेरिएशन लेकर आता है, या फिजियोथेरेपिस्ट भी कर देते हैं, ये जो एक्सरसाइज जो आपकी चेंज की जाती है ये मसल्स को ठीक रखने के लिए ठीक है कि आपकी एक्सटेंशन करवाई जा रही है कि मसल्स में स्टिफनेस ना आए, मगर इससे पेशेंट कि माइंड में इंप्रूवमेंट नहीं आती। माइंड चलने वाली एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से परफेक्टली नहीं कर पाता, और जब वो उसे परफेक्टली नहीं कर पाता तो परफेक्टली चल भी नहीं पाता। तो हम यही पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी जो डिवोशन है, अपना टाइम है, चलने को दो। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता दिया जो आपके पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे और देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज पेशेंट को मैक्सिमम हेल्प कर सकती है। हर पेशेंट के घर में इतना स्पेस नहीं होता, कोई सेकंड फ्लोर पे रहता है, कोई थर्ड फ्लोर पे रहता है, कभी मौसम बहुत ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, कभी बारिश होती है, तो हर टाइम घर से बाहर जाके वॉक करना हर किसी पेशेंट के लिए फिजिबल नहीं होता। तो हम आपके लिए ऐसी एक्सरसाइज लेकर आए हैं जो आप कहीं पर भी खड़े होकर आराम से कर सकते हैं, इसमें अपने अंदर होने वाली इंप्रूवमेंट को भी देख सकते हैं और इसमें चेंजेस को नोटिस भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज की और देखिए कि इसको कैसे करना है। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी पेशेंट पैरालिसिस का इसे घर में आराम से कर सकता है, चाहे आपके लेग में पावर कम हो ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप जो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि जो मेरा राइट साइड है वो पैरालाइज है, इसमें ताकत कम है, तो मुझे इसमें पावर लेकर आनी है। इसमें पावर लाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपकी सही
साइड है उसकी तरफ हम एक टेबल या चेयर सॉलिड रखेंगे, जिससे पेशेंट को एक स्टेबिलिटी मिले, रहे पेशेंट को गिरने का डर ना हो। एक बार आप इसको रख लेंगे तो उस पर आपने अपना हाथ रखना है और आपने अपने ही पोजीशन में खड़े खड़े अपने लेग को रेस करना है कुछ इस तरह से। ये कुछ एक्सरसाइज लेफ्ट राइट लेफ्ट जैसी है जो हम स्कूल में किया करते थे। तो जब पेशेंट इसको करना शुरू करेगा तो दिक्कत हो सकती है, उसका हो सकता है कि पैर थोड़ा बाहर जाए, थोड़ा कम उठा पाए, मगर अगर पेशेंट जब इसको करता रहता है तो पेशेंट में इसमें आराम देखने को मिलता है। ये कितनी देर करनी है, कितनी देर नहीं करनी, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट में कितनी ताकत है। जब आपका पेशेंट ये लेफ्ट राइट लेफ्ट एक्सरसाइज कर रहा हो तो आप इसको वर्बल कमांड भी कर सकते हैं। अब वर्बल कमांड का जो असर होता है वो बहुत अच्छा देखा जाता है कि पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट तेजी से आनी शुरू होती है। तो इस वर्बल कमांड को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज लेफ्ट राइट लेफ्ट जैसी है। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो जितना जोर से आप बोलेंगे तो पेशेंट उतना तेजी से रिस्पॉन्ड करता है। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। कुछ एक्सरसाइज की कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बस आपको एक टेबल की जरूरत होती है, वो भी इसलिए कि पेशेंट को थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी महसूस होती रहे। अगर पेशेंट के लिए ये एक्सरसाइज करना आसान है, पेशेंट बहुत आराम से कर पा रहा है, और पेशेंट को दिक्कत होती है बैलेंसिंग में कि पेशेंट जब चलता है तो उसे डर लगता है कि वो गिर जाएगा, वो जब चलता है तो उसे स्टिक लेनी पड़ती है, जब चलता है तो उसे सहारा लेना पड़ता है, तो उसको भी आप इस एक्सरसाइज से दूर कर सकते हो। इसमें आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी, आपने 2x2 का फॉर्म का पीस लेना होगा, 1 से 1.5 इंची मोटा, और आपने उसको जहाँ एक्सरसाइज करनी है वहाँ पर आप उसको रख देंगे। अब इस पीस के ऊपर जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके एग्जांपल के लिए मैं थर्माकोल का एक छोटा सा पीस यूज़ कर रहा हूँ, मगर आपने यूज़ करना है फॉर्म का 1.5 से 2 इंची का फॉर्म का पीस आपने यूज़ करना है, और उसको आपने रखना है जिस स्पॉट पर आप पेशेंट से लेफ्ट राइट लेफ्ट करवा रहे हैं, बिल्कुल टेबल के साथ। अब पेशेंट को आपने इस पर खड़ा करके करना है लेफ्ट राइट लेफ्ट। इससे होगा ये कि पेशेंट की जब टो एंकल इस पे पड़ेगा तो सॉफ्ट सर्विस होने की वजह से पेशेंट को बैलेंसिंग करने में दिक्कत महसूस होगी, और यही जो दिक्कत वो फेस करेगा वो आपके ब्रेन में सिग्नल भेजेगा कि ये दिक्कत आप फेस कर रहे हो, तो इसके लिए जो आपको मसल्स के अंदर चेंजेस चाहिए, मसल्स की कनेक्टिविटी में जो चेंजेस चाहिए, वो ब्रेन करना शुरू कर देगा और पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो ये थी वो सिंपल एक्सरसाइज जो हर एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर आराम लेकर आ सकता है। ज़रूरत क्या होती है एक पैरालिसिस पेशेंट को अपनी दिक्कत को समझने की, अपने पैरालिसिस की दिक्कत को समझने की, क्योंकि जब तक आप इसे मसल्स का रोग लेके चलोगे कि आपकी मसल्स में दिक्कत है, आपका हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी ताकत आपको चलाने में नाकामयाब रहेगी। और वही कंडीशन आप अपने अंदर देखते भी आ रहे हो कि जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी आपने करवाई, जितनी मर्जी आपने मेडिसिन खाई, जो मर्जी आपने एलोपैथिक मेडिसिन खा ली, आप में जरा सा भी फर्क नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसको आपने कभी देखा ही नहीं कि वो क्या है, किस वजह से आपको दी जा रही है और क्यों दी जा रही है। आपको दी जा रही थी, आप खाए जा रहे थे। तो इस चीज़ को आप समझो कि आपके अंदर चेंजेस जब तक नहीं आएंगे, जब तक आपके ब्रेन में हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती, और वो भरपाई करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं, जो एक्सरसाइजेस होती हैं, साइंस इंजीनियरिंग में हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताते आए हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो पैरालिसिस के बारे में, पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।